नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज हम टीजीटी रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज जो राष्ट्र का निर्माता है, जो भावी अध्यापक गण है, उनको मात्र रिजल्ट के लिए 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पंचकुला पहुंचना है। ये तो उनके साथ बड़ा अन्याय है, क्योंकि एक राष्ट्र के निर्माता के बिना देश और प्रदेश का जो विकास का मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है। और मात्र रिजल्ट की बात है, जबकि हमें पता है टीजीटी रिजल्ट में कोई व्यवधान भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, मात्र 5 नंबर का मामला है, जबकि बिना 5 नंबर के भी परिणाम निकाले जा सकते हैं। देखो, जब HSSC डी ग्रुप का रिजल्ट निकल सकता है और सी ग्रुप के टेक्निकल के वो 12,100 पदों के लिए भी रिजल्ट निकाला गया था, तो ये भला टीजीटी का रिजल्ट निकालने में विलंब क्यों है? क्यों नहीं निकालते टीजीटी का रिजल्ट? टीजीटी में तो मात्र 2 ही केस है, एक तो 4 नंबर का जो एक्सपीरियंस का है, जबकि वो कोर्ट में तो है ही नहीं है केस कोई, ठीक है, इस पर कोर्ट में तो कोई केस ही नहीं है। ऐसा सुना जाता है कि जो एक्सपीरियंस का जो केस है वो कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में तो ऐसा कोई लंबित मामला नहीं है, मात्र 5 नंबर का है जो सभी भर्तियों पर चला हुआ है। और जब 5 नंबर का मामला सभी भर्तियों पर है, तो डी ग्रुप का जब विचार में और सोमे से निकाला गया था, 2 कटोफ बना के निकाला गया था, तो टीजीटी का तो 5 नंबर के बिना भी निकाला जा सकता है, जबकि सभी युवा साथी चाहते हैं कि बिना 5 नंबर के निकालो, लेकिन रिजल्ट तो निकालना है। एक अध्यापक होता है जिसकी गोद में ध्वंस और निर्माण होता है। बोला, शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। और जब एक अध्यापक को पैदल मार्च करते हुए 300 किलोमीटर की यात्रा करनी है मात्र रिजल्ट के लिए, रिजल्ट तो जब भी आएगा, और वो रिजल्ट हो सकता है कि जब भी पिछाड़ में से आए, पर अब इनको परेशान क्यों किया गया? पिछाड़ में से रिजल्ट निकालना चाहिए विभाग को। हालांकि विभाग ने यह कहा है कि सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो टीजीटी का ही आएगा, और बहुत शीघ्रता शीघ्र आएगा, शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी टीजीटी का रिजल्ट आएगा। लेकिन इस तरह की बातें तो पता नहीं कितनी बार हो गई। एक सबसे बड़ी बात, युवाओं को एक होकर के और इस तरह पैदल मार्च करना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अध्यापक गण जो होता है, जो राष्ट्र का निर्माता होता है, उसी के द्वारा किसी भी देश और प्रदेश का विकास संभव है, केवल उन्हीं के द्वारा ही विकास होता है। तो मैं उन सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, साथ ही उन युवा साथियों को, हम पूरा टीचर जो वर्ग है, जो सारे अध्यापक गण है, सभी युवाओं के साथ, उन अध्यापक गणों के साथ हैं, भावी अध्यापक गणों के साथ हैं, उनके साथ, उनके प्रोटेस्ट में हम सभी साथ हैं। और उनको हृदय से बधाई देता हूं कि जो भी होगा वो उनके अच्छे के लिए होगा, और वो बहुत जल्दी होगा। एक असिस्टेंट जो प्रोफेशन है, 3500 पदों पर बहुत जल्दी भर्ती होंगी, ये विभाग ने कहा है कि आचार संहिता के तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500 पदों के लिए भर्ती तेज होगी। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। उसके बाद आयुष मंत्रालय में 580 पदों पर भर्ती होगी। HKRM में आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, यहाँ आयुष मंत्रालय में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं 580 पदों के लिए, और HKRM में भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उन पदों के लिए भर्ती आचार संहिता के तुरंत बाद होगी। कृषि एवं बागवानी विभाग है, इसमें एक तो बागवानी अधिकारी होते हैं और एक कृषि में एग्रीकल्चर में डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी होते हैं, उनका इंटरव्यू 26 और 27 अप्रैल को है। बागवानी विभाग में 26 अप्रैल को उनका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, और कृषि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन पदों के लिए 27 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल इनमें 18 पद हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले मात्र 33 कैंडिडेट हैं, यानी कि 2 कैंडिडेट पर 1 का सिलेक्शन होना है, और ये साक्षात्कार 26 और 27 अप्रैल को होना है। मैं एक बार पुनः
जो टीजीटी भावी अध्यापक गण हैं, जो भी राष्ट्र के निर्माता हैं, जिनको आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जिनको आज संघर्ष करना पड़ रहा है, जिनको पैदल चलना पड़ रहा है, मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं कि वो सभी एक होकर के पैदल मार्च कर रहे हैं केवल परिणाम के लिए, जबकि परिणाम में कोई बाधा नहीं है। और विभाग द्वारा कहा गया है कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो टीजीटी ही रिजल्ट आएगा, टीजीटी जो 74-75 पद हैं उन्हीं का रिजल्ट आएगा। तो इनको मैं उन्हें बधाई देता हूं और सभी अध्यापक गण आपके साथ हैं, प्रभु आपकी सहायता करे, आपका रिजल्ट जल्दी निकले, यही मैं प्रभु से कामना करता हूं। धन्यवाद।